नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार, घरेलू उपचार में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, जीवन में धन ही महान है, बिना धन के कुछ नहीं होने वाला है। एक छोटी सी वस्तु भी धन मांगता है, तो दुनिया धन के पीछे दौड़ती है, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो। धन ही एक ऐसा चीज है कि जीवन के छोटी और बड़ी इच्छाएं को पूरी करता है। तो साथियों, धन के लिए आप बहुत उपाय किए हैं, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, लेकिन आज हम छोटे छोटे दो तीन उपाय दे रहा हूं, जिसके करने से धन की प्राप्ति होगी। यह उपाय धन को आकर्षित करता है, धन को अपने तरफ खींचता है और चारों तरफ से धन को खींचता है। तो यह उपाय आगे बढ़ने में भरपूर सहयोग करता है और धीरे धीरे आदमी इतना सफलता के तरफ पहुंच जाएगा कि उसे धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो मित्रों, इस उपाय को आप अच्छी तरह से समझें और करें, लाभ उठावें। यह लाल किताब के छोटे छोटे उपाय हैं। तो मित्रों, आपको प्रत्येक शुक्रवार को यह उपाय करना हो तो मित्रों, आपको दही लेना हो, चाहे गाय का हो या भैंस का हो, तो एक चम्मच दही आप लीजिए और अपने बाएं हाथ यानी लेफ्ट में एक चम्मच दही को यहां रखिए। ये देखिए, यहां इस बीच घेरे में रखिए और रखने के बाद अपने दाहिने यानी राइट से इस पर जो है ऐसे 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 5 मिनट तक करें। यह बीच वाली जो ये देख रहे हैं भाग्य चक्र भी है, धन चक्र भी है, तो यहां आपको लेफ्ट पर रखकर दाहिने से ऐसे ऐसे करना है 5 मिनट तक। और ऐसे करते समय आपको एक शुक्र का छोटा सा मंत्र है, इसको पढ़ते रहे। तो मंत्र कौन सा है? ओम सुख शुक्राय नमः, ओम सुख शुक्राय नमः। इस मंत्र को जब तक आप 5 मिनट तक रगड़ते हैं, पढ़ते रहे। इस क्रिया को मित्रों प्रत्येक शुक्रवार को करना होगा। फिर मित्रों, इस उपाय का देखें चमत्कार, आपके धीरे धीरे शुक्र इतने बलवान हो जाएंगे कि आपके पास आपके हाथों धन तेजी से दौड़ते हुए आएंगे। और मित्रों, एक दूसरा छोटा सा उपाय है, प्रत्येक शुक्रवार को आप दही को खाएं, चाहे गाय का हो या भैंस का। तो मित्रों, दही में मिश्री पंसारी के यहां आराम से मिल जाता है, किराने स्टोर पर मिल जाता है, उसको कूट कर बारीक कर लीजिए और उस दही में मिश्री को मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें और मात्र 5 चम्मच आप भोजन के बाद दिन में कभी भी 5 चम्मच सिर्फ प्रत्येक शुक्रवार को करें, फिर देखें इसका कमाल कि आपको बना देगा यह खुशहाल। और मित्रों, बेजोड़ उपाय है तीसरा,
इस उपाय को भी प्रत्येक शुक्रवार को करना होगा। मित्रों, अपने नहाने वाले पानी में कपूर का तेल 5 बूंद डालकर स्नान करें प्रत्येक शुक्रवार को। तो मित्रों देखिए, ये यही कपूर का तेल है जो हम इसको यूज करता हूं। अभी देखिए आधा बचा हुआ है, आराम से पंसारी के यहां मिल जाता है। तो सिर्फ 5 बूंद डालिए और प्रत्येक शुक्रवार को स्नान करिए। मित्रों, यह ऐसा छोटा छोटा उपाय है कि कुछ ही दिन में आप खुद देखेंगे कि पहले मैं क्या था और जब से यह उपाय कर रहा हूं अब इसके बाद हमारा परिस्थिति कैसा है। आप खुद कहेंगे कि बाबा इस वीडियो को पहले क्यों नहीं दिए, यह बहुत कारगर है, आप हमें धन्यवाद देंगे। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात श्रद्धा और विश्वास। अगर विश्वास है तो परमात्मा यही है, नहीं विश्वास है तो आप मंदिर के अंदर घुस जाइएगा वहां भी नहीं, क्योंकि विश्वास ही महान होता है। तो मित्रों, कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो किस्मत को बदल दे, भाग्य को चमका दे। तो मित्रों, यह उपाय आप करके देखें, आप कुछ ही दिन में अपार धन का मालिक बने। यह धन को आकर्षित करता है, अपने तरफ खींचता है, खींचने का क्षमता है और इंसान के हाथों में क्षमता बन जाता है, शरीर में धन खींचने योग्य बन जाता है कि जिस काम में हाथ बढ़ाएंगे पैसा ही पैसा है। तो मित्रों, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो इस वीडियो में इतना ही और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।